अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने यूएस एड के तावुन से दूसरे क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट रोड शो का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताएं कि जहां साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत लाने वाली 14 कंपनियों ने अपना काम पेश किया। कराची में जारी नुमाइश का मकसद शफाफ तवानाई के पैदावार और काबिल अमल हल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देना है। ई मोबाइलिटी और तवानाई के इस्तेदाद कार बढ़ाने के मंसूबों पर 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम जमा कर चुके हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि साफ तवानाई को फरोग और वसत देने के लिए साजगार माहौल दरकार है। यही वजह है कि अमरीका सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। सिंध की सेक्रेटरी बराए माहौलियात मौसमियाती तब्दीली और साहिले उमूर डॉक्टर नबीला उमर ने सफीर डोनाल्ड ब्लूम के ख्याल से इत्तेफाक किया। कहा, पाकिस्तान में तवानाई के शोबे को साफ और काबिल तजदीद तवानाई के जरिए मुंतकिल करने में अमरीकी हुकूमत के तआवुन और काबिशों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं।